يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. جب فولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے جب फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्ते ने फूलों की शिकायत की है। जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्ते ने फूल जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्ते ने फूलों की शिकायत की है। अरे महक उठाई हर सिम कतरों फिजाए जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। मेरे दोस्तों अभी मुक्तारी साहब को आप समाप्त फरमा रहे थे, मौसूफ आए और बड़े ही बेसबात वक्त में अपनी जीत के खैमे सामईन के कलब और जिगर में नसब कर गए और जिससे हमारी एहसास की दुनिया रोशन हो रही थी और हमारे पेशानियों पर उभरने वाली सिलुटे ये कह रही थी, ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियां, ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियां, कि हर जर्रा बागे सहन का सागर बदोश है। मेरे दोस्तों कभी खजा है कभी बहार, कभी वीराना है कभी गुलजार, कभी दिन बड़ा है कभी रात, कभी पानी का हर कतरा, आग का हर शोला, हवा का हर झोंका, हर कली, हर फूल, हर जर्रा, हर बूटा, बज़माने के हर मौजूद का हर चीज, बज़माने हाल और काल, यही नगमा सुरा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। क्या हो गया अज़मी रोयत ला वहदहु ला शरीक लहू गोयत। मेरे दोस्तों अभी तिलावत करमुल्ला समाप्त फरमा रहे थे, अब मैं चाहता हूं कि तिलावत करमुल्ला के बाद उस बारगाह एसडी में कुछ अशआर पेश करूं, हमदिया अशआर, क्योंकि मेरे दोस्तों जो हमें खिलाता है वही हमें मारता है, वही हमें जिलाता है, उन्हीं के कब्जे कुदरत में हमारी और आपकी जिंदगी है। तो लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, बोलिए भाई कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समुंदर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, अरे वही महफूज रखता है मेरे नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है मेरे नबी को गार के अंदर, वही मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। मेरे दोस्तों तिलावत करमुल्लाह से मजलिस में नूर अला नूर की फिदा कायम हो चुकी है, अब इस पर चांद लगाने के लिए मुनासिब बल्कि लाजिम और जरूरी मालूम होता है कि अब एक बाबे मदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोला जाए, दरे नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोला जाए इस एतराफ के साथ कि मैं क्या हूँ, मेरी मदह क्या है ऐ शहे शाह, मैं क्या हूँ, मेरी मदह क्या है ऐ शहे शाह, हसानो फरस्त जहां आजिजो हैरा, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लकद नव्वरल कमर, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लकद नव्वरल कमर। मेरे दोस्तों जहां मखलूकात में सबसे बुजुर्ग बरतर है, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल है, हसीनों में आसन है, जिसकी जाते आली गुलदस्ते जमाल कमाल, जिसका जमाल है जहां आरा नमूदे सर की नवेद देता है। मेरे दोस्तों जिसके जिसकी स्याहो दराज कैसियों के शामियाने तेरे रात मुस्कुराती है, जिसके रुखे ज़बा की रोशनी में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सुई के बारीक तली सुराख में धागा डाल लेती है। मेरे दोस्तों जिसके जिसमें अथर के पसीने की खुशबू मुश्क अंबर को भी मानद कर देती है, तो आइए मैं दोस्तों फरोगे महर भी देखा नमूदे गुलशन भी, फरोगे महर भी देखा नमूदे गुलशन भी,
मगर तेरे सामने किसका चिराग जलता है, मगर तेरे सामने किसका चिराग जलता है। तो आइए उस नबी उम्मी की बारगाह अक्दस में रतबुल लिसान हो और हम एक ऐसे शानशाह तरन्नुम क्लासिकल आवाज के मालिक जिनसे मेरी मुराद हाफिज व मौलवी मोहम्मद जुनेद ककनी है, मैं उनको इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। दोस्तों आप बोलिए कि वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। अरे अपना ताल्लुक है उस कबीले से जनाब जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, इसलिए आप थोड़ा बोलते रहिए। क्या मैं कह रहा था कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों पे हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है जो लिखकर नबी की नात अमक कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। तशरीफ ला रहे शायर इस्लाम, सुनेंगे आप तमाम, सुनाएंगे नातिया कलाम। जुनेद है जिनका नाम, ककनी है उनका मकाम। निजामत करना है मेरा काम, शाहिद है मेरा नाम, सिंगारपुर है मेरा मकाम, बाका है मेरे जिले का नाम। ला तशरीफ लाइए शायर इस्लाम, नवाजेंगे आप तमाम, अब शायद बांग कवि को दीजिए आराम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ये आप जो दफ्तीब को देख रहे हैं ये मेरे दरसी साथी हैं, ये उभर जाएंगे कुछ ही दिनों में, पर उभरने के लिए ही इन्होंने ऐसा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि नकीब के हवाले से चंद अशआर पेश करूँ। मतला देखिएगा, जो अपने दुश्मनों के डराने से डर गया, जो अपने दुश्मनों के जो अपने दुश्मनों के डराने से डर गया, दुश्मनों के डराने से डर गया, वो शख्स अपनी मौत से पहले ही मर गया, वो शख्स अपनी मौत से। और प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए ये अशआर, महंगाइयों के मार से, प्यास को भी ध्यान में रखते हुए, महंगाइयों के मार